नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। ये हमारी खास पेशकश, मैं हूं स्वाति रायना। कई बार बच्चे बड़ों की तरह बातें करते हैं, बड़ों की तरह व्यवहार भी करते हैं। ऐसे बच्चे सबको बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन आजकल बच्चे एक और मामले में बड़ों की तरह हो रहे हैं। और यकीन मानिए, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों को बड़ों की बीमारियां घेर रही हैं। बदलते लाइफस्टाइल और खाने की आदतों के चलते बच्चे ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जो कभी बड़ों की बीमारियां समझी जाती थी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह, और कैसे इस तरह की बीमारियों से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे। उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट। मौसम बदलने के साथ बच्चों को खांसी, बुखार जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इन छोटी बीमारियों से लोग बच्चों को बचाने के लिए कई बड़े कदम उठाते हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आजकल बच्चे ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जो बड़ों की बीमारियां मानी जाती हैं। अब 10 से 15 साल के बच्चों में किडनी स्टोन के केस काफी देखने को मिल रहे हैं। पूरी दुनिया भर में बच्चों में किडनी में स्टोन के मामलों में 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मोटापा, डिहाइड्रेशन, अनहेल्दी डाइट और वातावरण में हो रहे बदलाव की वजह से बच्चों को किडनी में स्टोन की बीमारी हो रही है। बच्चे आजकल जंक फूड बहुत पसंद करते हैं और उसमें नमक और दूसरे केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये धीरे धीरे स्टोन के रूप में आ जाता है। अगर किसी बच्चे में ये बीमारी देखने को मिले तो पहले उसके मेटाबॉलिज्म की जांच कराएं। चेन्नई में की गई एक स्टडी के मुताबिक 13 से 17 साल के बीच के 21% बच्चे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी के शिकार हैं। हाई ब्लड प्रेशर शरीर को काफी हद तक प्रभावित करता है। कुछ मामलों में हाई ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, आंखों की रोशनी पर असर, चक्कर आना, नाक बंद, दिल की धड़कन का तेज होना और मिचली का कारण बन सकता है। लाइफस्टाइल में बदलाव करके बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर को रोका जा सकता है। अपने बच्चे के वजन को नियंत्रित करें, हेल्दी डाइट दें और बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित करें। खाने पीने की खराब आदतों ने बच्चों को शुगर जैसी बीमारी का शिकार बना दिया है। बच्चों में शुगर लेवल बढ़ने पर उन्हें बार बार प्यास लगती है। उसकी शिकायत होने पर बच्चे को बार बार पेशाब आता है, बच्चे को बार बार भूख लगती है और खाना खाने के बाद भी उसके शरीर में एनर्जी नहीं होती। बच्चे के शरीर में इंसुलिन ना बनने के कारण एनर्जी खत्म हो जाती है और बच्चा थका थका रहता है। ऐसे में जरूरी है कि समय पर भोजन करने की आदत डालें और साथ ही पौष्टिक आहार खिलाएं। बच्चे को नियमित व्यायाम करने के लिए बोलें। बचपन में घुटनों का दर्द या चलने में दिक्कत को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है क्योंकि ये आगे जाकर आर्थराइटिस का रूप ले सकता है, ऐसे शिकार हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ज्यादातर माता पिता उनके जोड़ों में दर्द, जलन और चलने में दिक्कत होने संबंधी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, जिसका खामियाजा विकलांगता के रूप में भुगतना पड़ सकता है। लाइफस्टाइल के कारण कैंसर की बीमारी बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। बच्चों को इससे सुरक्षित रखने के लिए पेरेंट्स को खास ख्याल रखने की जरूरत है ताकि वो इसे पहचान कर बच्चों को सुरक्षित रख सकें। सुस्ती, कमजोरी, चक्कर आना, पीठ, पैर, जोड़ों में दर्द, सिरदर्द, वजन घटना, पेट में सूजन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। पहले जो बीमारी केवल बड़ों में सुनने में आती थी, अब बच्चे भी तेजी से उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और उसके लिए जिम्मेदार है खराब खान पान। ऐसे में बच्चों के खाने पीने और लाइफस्टाइल का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बदलते लाइफस्टाइल, बदलती दुनिया, फास्ट इस पूरी दुनिया में अब क्या हो रहा है, बच्चों को ये तमाम बड़ों की बीमारियां घेर रही हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स, कैंसर, आंखों की परेशानी, हाइपरटेंशन, कई बच्चों में तो डिप्रेशन तक पाया गया है, दिल की बीमारी और साथ ही साथ डायबिटीज, यहां तक कि जोड़ों का दर्द तक बच्चों को अपनी चपेट में ला देता है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या और कैसे हम समय रहते इसको रोक सकते हैं, अपने बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजरी चंद्रा, ये सीनियर कंसल्टेंट है, मैक्स हेल्थ केयर डाइटिशियन भी हैं। बच्चों का खान पान, बच्चों का लाइफस्टाइल कैसे सुधारें जिससे कि ऐसी बीमारी उन्हें ना जकड़े, और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर चंद्रा, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ईरा त्रिवेदी हैं, योगा एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। मतलब बहुत ही यंग एज में बच्चों में एक्सरसाइज, साथ ही साथ योगा की ट्रेनिंग, ऐसे जो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है कैसे लाकर बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ इंकरेज कर सकते हैं, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। और कुछ और देर में हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ेंगे, जो कि पीडियाट्रिशियन भी है और सीएमडी मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर। इनफैक्ट डॉक्टर मलिक हमारे साथ लाइव शो में जुड़ गए हैं। डॉक्टर मलिक, आपका भी बेहद स्वागत है स्पेशल शो में। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हैरत होती है जानकर कि जो बीमारियां आमतौर पर हम बड़े, मतलब अडल्ट 18 साल से ऊपर या
कह सकते हैं कि 40 साल से ऊपर के लोगों में देखा करते थे डॉक्टर रवि मलिक, जैसे कि किडनी स्टोन्स, वो अब 10 से 15 साल के बच्चों में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है लाइफस्टाइल में, जो कि बच्चे किडनी स्टोन की चपेट में आ रहे हैं, वो क्या है? देखिए, अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि बच्चों के अंदर कुछ सारी बीमारियां जो हैं गत कुछ वर्षों में उनका जो चलन है वो ज़्यादा होने लग गया। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, असेंशियल हाइपरटेंशन यानी कि जो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की जो बीमारी है वो भी होने लग गई है। डायबिटीज़ जो है वो डेफिनेटली जुवेनाइल डायबिटीज़ तो खैर होती ही है, लेकिन डायबिटीज़ भी एडोलोसेंट्स के अंदर जो है काफ़ी होने लग गई है। बहुत सारी और ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि जो इंसिडेंस है वो भी बढ़ गया है, जैसे कि साइकेट्रिक इलनेसेस है, ऑब्सेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, चाइल्डहुड डिप्रेशंस हैं, या एडोलोसेंट्स के अंदर ये डिप्रेशंस आने के काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है इसका चलन हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एट्रिब्यूटेबल हैं हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर भी। जैसे कि अगर हम बात करें आज से 50 साल पहले की, तो बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ को अगर हम ले लें या हम उनके खान पीन को ले लें, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल चेंज हो गई है। जैसे जंक फूड का चलन बहुत बढ़ गया है, ओबेसिटी जो चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है बच्चों के अंदर वो बढ़ गया है। मोटापा जो है वो केवल एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का जखीरा, मोटापा आएगा तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कि हमारे को ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। आने वाले समय में जो हमारा देश है वो पूरे विश्व की कैपिटल बनने वाला है डायबिटीज़ की। डायबिटिक्स जो हैं शुगर की बीमारी के जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो हमारे देश में होने वाले हैं। तो समय रहते हमारे को अपने लाइफस्टाइल जो हैं वो चेंज करने बड़े ज़रूरी हैं, जिसमें खान पान भी आता है, सोचने का तरीका भी आता है। लंबी फहरिस्त में क्या किडनी स्टोन्स एक नई एंट्री है जो बच्चों में अब पाया जाने लगा है? देखिए, जहाँ तक स्टोन्स का तल्लक है, डेफिनेटली बिलिरुबिन स्टोन्स वगैरह जो हैं वो बच्चों के अंदर जो हैं जिनको हिमोलिटिक एनीमिया वगैरह होता है वो होते हैं, पहले भी होते थे और वो अभी भी होते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो स्टोन्स का जो बच्चों के अंदर जो अब होने का इंसिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ा है। वो एक तो डिटेक्शन की टेक्निक्स बहुत आ गई हैं और वैसे भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो ले दे के अगर देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और जो कि डेफिनेटली बच्चों के अंदर जो उनका जो चलन है, इंसिडेंस है और उनका जो इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बढ़ा है। बिल्कुल सर, और ये आने वाले टाइम के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, अभी से इसको सुधारना बेहद जरूरी हो जाता है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर मंजरी चंद्रा, मतलब खान पान एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी बढ़ते बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को और भी अच्छा करने के लिए, हेल्दी करने के लिए। लेकिन अगर बच्चा ही जंक फूड खाए, वैसे ये नहीं कि पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती जंक फूड खिलाते हैं, लेकिन हाँ एक टेस्ट होता है, डेवलप हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एडवर्टाइज़ भी किया जाता है, बर्गर्स, पिज्ज़ाज या और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चों में ऐसी बीमारियां बढ़ती जा रही है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और कई चीज़ें हैं हम जब जंक फूड की बात करते हैं या ख़राब खाने की, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ख़राब खाना खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चा चूज़ करता है कि घर से टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा, मैं कैंटीन से लंच करूँगा स्कूल में, तो उसमें दो पार्ट्स हैं उसके। एक तो उसने ख़राब खाना खाया जो मोस्टली ख़राब तेल में बना है, बहुत ज़्यादा वाइट फ्लावर, नमक ज़्यादा है। दूसरा जो उसके साथ नुकसान हुआ ये भी हुआ कि उसने घर का खाना नहीं खाया, वो घर का खाना जिसमें हरी सब्ज़ी हो सकती थी, हमारे जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं जो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, हल्दी, जीरा, घर का घी, ये सब उसने मिस किया। तो एक इट्स अ बाय फेज प्रॉब्लम, बिकॉज नॉट ओनली आर चिल्ड्रन ईटिंग आउटसाइड, दे ऑल्सो एलिमिनेटिंग हेल्दी फूड फ्रॉम देयर डाइट। खराब खाने के साथ साथ अच्छा खाना पूरी तरह से छोड़ते जा रहे हैं, बच्चे खाना ही नहीं चाहते, हरी सब्जियां नहीं खाना चाहते, नॉर्मल दाल राइस नहीं खाना चाहते, नॉर्मल घर की बोरिंग लगता है उन्हें, उनको लगता है कि हाँ दाल चावल
गोभी की सब्जी, एक बोरिंग भी है, एक कंडीशनिंग की कंडीशनिंग भी है. जिस तरह से आप बोल रहे थे एडवर्टाइजिंग मार्केट काम कर रहा है, एमएनसीज जिस तरह से अपने फूड्स को हमें सेल कर रही है, इट्स ऑफ कोर्स वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो द टाइप ऑफ कलर्स दे यूज, वो आप घर में नहीं यूज कर सकते. आप हमारा खाना बोरिंग होता है, ब्लैंड होता है, देखने में सादा लगता है. बाहर खाना इंटरेस्टिंग होता है, कलरफुल होता है, उसको पैकेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे ल्यूर होते हैं. बट देन आई थिंक इट्स अ पेरेंटल डिसीजन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट चिल्ड्रन. थोड़ा सा हमारे देश में ये कमी क्या है कि माँ बाप सिर्फ बच्चों को बोलते हैं मत खाओ मत खाओ, बट देर इज नॉट, दे आर नॉट बींग इन्वॉल्व इन टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर हम उनको यू नो इन्वॉल्व करें सही और गलत खाना चूज करने में, दे कैन टेक देयर ओन गुड डिसीजन. एब्सोल्युटली, जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, लेकिन डॉक्टर चंद्रा एक मैक्सिमम दिन का जो टाइम है बच्चा स्कूल में भी स्पेंड करता है. कई स्कूल्स हैं जो कि घर का खाना अलाउ नहीं करते हैं और स्कूल के कैंटीन से या स्कूल में ही बना खाना देते हैं. अब उसका क्वालिटी चेक कौन करेगा, उस खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, उसको कैसे चेक किया जाएगा. ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि स्कूल को भी ध्यान में देने की जरूरत है अगर बच्चों में इतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्टिविटी, मतलब बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, कितना खेल कूद रहा है, कितना एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर सिर्फ घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है, या उसको एक टैब या फिर मोबाइल फोन पकड़ा दिया पेरेंट्स ने कि ठीक है बच्चा बिजी तो है. तो ईरा, आप इसमें बहुत अच्छे ढंग से हमें समझा पाएंगी कि बच्चों का जो लाइफस्टाइल है, हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना ज्यादा चेंज हुआ है. बच्चे पहले जाके ग्राउंड में खूब खेला करते थे, उनको विटामिन डी मिलता था और हेल्दी रहते थे, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा नहीं होती थी. लेकिन अब बच्चे चार दीवारी के बीच में बंद होते हैं, टीवी के सामने बिठा दिया या आगे एक टैब रख लिया या मोबाइल फोन रख लिया, चलो बच्चा बिजी हो गया, चलो टैब में कुछ पढ़ ही रहा है, राइम सीख रहा है या कुछ और सीख रहा है. ये एक बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिसेस बच्चों के बीच में बढ़ती जा रही है. मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गई. तो बेसिकली इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं. एक तो मैं बता रही हूँ आपको, जो आजकल के बड़े शहर हो चुके हैं उनका वातावरण ही ऐसा है नहीं. मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रही थी, दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल से. उनने बोला कि एक दिन हमको नोटिस मिलता है कि बच्चों को बाहर नहीं जाने दीजिए, बहुत प्रदूषण है. फिर हमको मिलता है नोटिस कि बच्चों को बाहर नहीं जाने दीजिए, बहुत डेंगू, बहुत मच्छर हो चुके हैं. तो स्कूलों को ही नोटिस मिल रहा है कि बच्चों को हम बाहर नहीं जाने दें क्योंकि इतना डेंगू फैल चुका है, मच्छर आ चुके हैं, फिर प्रदूषण हो चुका है. तो एक तो वातावरण बाहर ऐसा हो चुका है. दूसरी चीज़ ऐसी है, थोड़ी सी जो बच्चियाँ होती हैं, थोड़ा सा लोग थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि इतना सारा एक बहुत फियर बढ़ चुका है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है. तो पार्क, मुझको इतनी सारी मम्मियाँ को मैं मिलती हूँ, बोलती हूँ कि हम अपनी बच्चियाँ को हम भेजना नहीं चाहते पार्क क्योंकि हम अपने उनके साथ भेज दें हमारे जैसे मेड के साथ, पर वहाँ तो ऐसे ऐसे अनजान लोग भी आते हैं, तो अगर हम खुद उनके साथ जा पाएँ तो हम जाते हैं, वैसे तो हम डरते हैं जाने के लिए. तो एक तो ये हो चुका है कि लोगों को लगता है नहीं है कि सेफ है और वातावरण भी ऐसा हो चुका है बाहर. दूसरी बात ऐसा है, आप खान पान की यहाँ बात चल रही है, बच्चों जो आजकल हैं उनको तो दाल भिंडी पसंद ही नहीं आती है, बोलती है हमको मैगी दीजिए, पास्ता दीजिए, मैकरोनी दीजिए. इनके टेस्ट ऐसे ऐसे हो रहे हैं और क्योंकि मम्मी पापा बिजी होते हैं, बोलते हैं चलो मैकरोनी दे देते हैं, इसमें तो 2 मिनट लगते हैं बनाने में, दाल चावल अगर हम बनाएंगे जो इनको, जो शायद से हम एक बच्चे के टेस्ट से बनाएंगे मसाला के बिना, उसमें तो आपको आधा घंटा लगेगा, तो चलो मैकरोनी खिला देते हैं इनको, पिज्ज़ा खिला देते हैं इनको. ये भी हो चुका है. तो जो टेस्ट बन रहे हैं इस नए जनरेशन के, बहुत ही बुरे टेस्ट बन रहे हैं. उनको प्रोसेस्ड खाना, जो शुगर वाला खाना, वो सब उनके टेस्ट बड्स ऐसे ही फॉर्मेशन हो रही है. और ये बहुत, साथ में आपको बताऊं जैसे आपने अभी बोला कि बस इनको बस आईपैड दिखा दो, और जो वो आईपैड या टीवी में जो वो कार्टून देखते इतने ज़्यादा स्टिम्युलेटिंग हो जाते हैं कि वो लोग बाहर जाना ही नहीं चाहते, बोलते हम अंदर बैठ के टीवी देखेंगे. तो अंदर बैठ के हम अपना आईपैड देखेंगे, अंदर बैठ के हम अपना फ़ोन देखेंगे. तो बच्चों का भी एक एडिक्शन हो रहा है धीरे धीरे स्क्रीन्स के साथ. तो बहुत ही मुश्किल चीज़ हो गई ये पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक तो बाहर वैसे भी पार्क ढूंढना मुश्किल है और अब तो वातावरण ही बुरा हो चुका है, खान पान के टेस्ट ही बुरी हो रही है. तो बीमारियों के फेरिस में पेरेंट बनना आजकल के जमाने में इतना इजी नहीं है. बिल्कुल, वेरी वेरी राइटली सेड ईरा. इनफैक्ट इन पूरी बीमारियों के फेरिस नहीं है क्योंकि हाँ बिल्कुल, इन पूरी बीमारियों के फेरिस में एक मोबाइल एडिक्शन की बीमारी भी मैं जोड़ना चाहती हूँ, गेमिंग.
इसको अभी एक रीसेंट स्टडी है उसमें भी कहा गया कि जो गेमिंग है या मोबाइल एडिक्शन खेलने का, मोबाइल गेम खेलने का एडिक्शन है, वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बट डॉक्टर मलिक, जिन तमाम बीमारियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि बड़ों को जकड़ा करती थी, अब बच्चों तक पहुँच चुके हैं, मतलब उसका जो दायरा है वो बच्चों तक पहुँच चुका है, ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, पेरेंट्स अपने अपने ऑफिस में बिजी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए इवनिंग में बच्चों को मिलते हैं, हर पेरेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक कॉमन फिनोमिनन यहाँ पर हो चुका है, लेकिन बच्चों के साथ बैठकर अगर ऐसा फील होता है कि कोई ऐसा सिम्टम्स पता चल पा रहे हैं जिससे किसी बीमारी के बारे में पता चल पाए, तो वो कौन से बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं सर? देखिए, सिम्टम्स का जहाँ तक तल्लक है वो तो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं। जैसे अगर बच्चे को स्टोन है तो उसको पेन होगा, यूरिन के रास्ते जो है वो पेन जो है वो रेडिएट होगा। अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके अलग सिम्टम्स हैं। अगर उसको शुगर है तो उसके अंदर पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, यानी कि भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और यूरिन ज़्यादा बार जाएगा, तो वो तो सिम्टम्स सब बीमारी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा, अगर एक ही शब्द बताऊं इन सब चीज़ों का इलाज का, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे को डिसिप्लिन में रखना बड़ा ज़रूरी है। उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ वो खेल के मैदान में कितनी देर करेंगे। स्क्रीन टाइम में एक चीज़ और बता दूं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो स्क्रीन पे आंखों से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो। मेरे हिसाब से तो बच्चे 3-3, 5-5 घंटे और छुट्टियों के दिन में तो 7-7 घंटे स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, उनसे आंखों के ऊपर भी काफ़ी दुष्प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, और साथ के साथ मस्तिष्क के ऊपर भी जो डिफरेंट इसके जो हैं साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि जो स्क्रीन टाइम है दैट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, यानी कि स्क्रीन में उन्हें देखना जो है कम। उसके बाद में खान पान के अंदर बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के खान पान में हमारे को, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 3 तरह के फूड्स को क्लासीफाई किया गया है अगेन अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से। एक तो रेड फूड्स हैं जिनको कि बहुत सोच समझ के हमें खाना है, बहुत कम खाना है, जिसमें कि जंक फूड्स आ जाते हैं या हाई फैट के मीट्स आ जाते हैं या कोलेस्ट्रॉल रिच प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। दूसरे होते हैं येलो, जो कि बच्चे खा सकते हैं रीजनेबल मात्रा में, जिसमें नट्स आ जाते हैं, सीरियल्स आ जाती हैं, पल्सेस आ जाती हैं। लेकिन एक ग्रीन फूड्स हैं जो बच्चे जितना मर्जी खाएं, जिसमें कि हरी सब्जियां आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, इन सब का सेवन वो जितना मर्जी करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो हमारे को हेल्थ एजुकेशन बच्चों को देनी बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए पूरी एक मुहिम चलानी पड़ेगी जिसमें कि बच्चों को भी हमें बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, टीचर्स को भी, एनजीओस को भी, डॉक्टर्स को भी, पेरेंट्स को भी, और एक हेल्थ एजुकेशन का, डिसिप्लिन का हमारे को एक चलन होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों की डाइट के ऊपर कंट्रोल किया जाए, एक्सरसाइज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और जो लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करते हैं और दोबारा से वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम 50 साल पहले जिस स्थिति में रहते थे और जो हमारा वातावरण था, उससे ये बहुत सारी जो बीमारियां, खासकर कि मैं बता दूं जो ओबेसिटी लिंक्ड बीमारियां हैं, जो मोटापे के साथ में लिंक बीमारियां हैं, उन बीमारियों के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल आ जाता है। और अगर मोटापे पे कंट्रोल होगा, नेचुरल बात है, गॉल स्टोन्स हैं, जोड़ों के दर्द हैं, डिप्रेशन है, इस चीज़ों को बता दूं, डिप्रेशन आधी से ज्यादा बीमारियां वहीं पर खत्म हो जाती है। बट क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात हो रही है या खान पान की बात हो रही है, अब जैसे पिज्जा या मैक्रोनी या पास्ता की बात हो रही है, वो घर पे भी काफी अच्छा टेस्टी वैसे बन जाता है डॉक्टर चंद्रा, इजंट इट? मतलब अगर घर पे ही, अब बात वही हो जाती है कि पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो वो कैसे उसको पूरी तरीके से बच्चों की जो लाइक्स है डिसलाइक्स को उसको इन्वॉल्व करें। लेकिन हाँ, डॉक्टर रवि मलिक ने एक अच्छी बात कही, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आजकल के बच्चों के साथ सख्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको उन्हीं की भाषा में बहुत प्यार से समझाना होता है। एक काम कर सकते हैं कि वीक में 1 दिन या 2 दिन बच्चों की पसंद का खाना आप घर पर ही बनाएं, या अगर बहुत ज़्यादा बच्चा जिद करता है तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 2 हफ्ते में 1 बार चीट डे रख लिया, चलो ठीक है आज तुम अपने पसंद का पिज्जा या अपने पसंद का बर्गर या कुछ खा लो, लेकिन बाकी दिन जो ये डाइट चार्ट है वो फॉलो करना होगा। डॉक्टर चंद्रा, ये आइडिया कैसा, और एक बच्चे के लिए, एक बढ़ते बच्चे के लिए पूरे दिन का एक डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए जब वो नींद से उठे और जब वो सोने तक जाए? क्या
कहती है इसमें दो तीन चीज़ें आपने बहुत अच्छी बोली. एक है काउंसलिंग. हम बहुत इंसिस्ट करते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो कई बार बच्चे के साथ ही बैठ जाते हैं. हम कई बार उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जाइए, लेट अस टॉक टू द चाइल्ड एंड लेट अस ट्राई टू कन्विंस द चाइल्ड. क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करोगे इस प्रोसेस में, बिकॉज इवॉल्व हैं हमारे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तब तक वो अपने डिसीजन अच्छे से लेंगे नहीं, आप थोप नहीं सकते. दूसरा, जो आप डाइट चार्ट की बात कर रहे थे, टू स्टार्ट विथ फूड इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी बेसिक. जितना हम सिंपल बच्चों को खाना दें, जितना वो बेसिक टेस्ट को अप्रिशिएट करना सीखे, उतना ही अच्छा है. पर वो इसलिए नहीं होता कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और हम उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग पे डालते हैं. देखिए, पहले बच्चे जब वीनिंग होती थी तो लोग रागी का पॉरेज या घर में दाल बना के देते थे. अब सब लोग सेरेलैक से ही बच्चों को वीन करते हैं. द मिनट यू स्टार्ट गिविंग फूड फ्रॉम अ बॉक्स टू अ चाइल्ड, आपने टेस्ट बड्स को वहीं से डिवेलप करना शुरू कर दिया. क्योंकि वो जानबूझ कर ऐसे फॉर्मुलेटेड फूड्स होते हैं जो बहुत एक्सेप्टेबल होते हैं बच्चों को. कन्वीनियंस आल्सो जी, बट कन्वीनियंस से सैडली बच्चे बड़े नहीं होते. पेरेंटिंग इज अ मच बिगर जॉब देन जस्ट लुकिंग एट द कन्वीनियंट ऑप्शंस इन एवरी विच वे, इंक्लूडिंग हेल्थ विच इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर तरह का फूड दो बच्चों को. हम आप कितनी बार आपने बेसन की रोटी या ज्वार की रोटी खुद घर में बनाई और बच्चे को आपने वो ऑप्शन ही नहीं दिया, आपने बच्चों को चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि बच्चे करेला नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, यू नो परवल नहीं खाएंगे. जब आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, यू डिडंट गिव चिल्ड्रन टू appreciate those vegetables and those foods, you've obviously set a trend. और बहुत आसान है बच्चे को हर बार उसको खुश करने के लिए एक कैंडी दे देना, ये कपकेक दे देना, या ये तो बहुत ही आसान है ना. That does not take any effort from your end. तो बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डाइट चार्ट जैसा आप बोल रहे थे बनाए, जो कि बहुत बहुत कोई रोबोटिक साइंस नहीं, बहुत सिंपल है. फल सब्जियां, मोटा अनाज, खड़ी दालें, नॉर्मल हर चीज़ नॉर्मल, कोई भी चीज़ पैकेट्स में से प्रोसेस्ड प्री कुक्ड पहले से बनी हुई ना दे, हर चीज़ फ्रेश हो, रॉ हो. इनफैक्ट बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व करना, बच्चों को टेबल सेटिंग में इन्वॉल्व करना. आपने ये इंपॉर्टेंट बात कही, मैं कहने वाली थी, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ मिलकर कुकिंग करेंगे, बच्चों को बोलिए तुम्हें पिज्जा खाना है या पास्ता खाना है, चलो मिलकर बनाते हैं. पिज्जा बेसिस आते हैं, उसमें आप अपने मनपसंद वेजिटेबल्स डालकर, चीज डालकर आप अच्छा एक पिज्जा बना सकते हैं, पास्ता घर पे बना सकते हैं, मैकरोनी काफी टेस्टी. बेसिकली बाहर जो आपको प्रोसेस्ड और कैन मिलता है वो घर में आप बच्चों के साथ मिलकर बना सकते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा और वो सीखेंगे भी, उनमें कुकिंग स्किल्स भी आएंगे और हेल्दी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें क्या होता है. एंड दे आल्सो अप्रिशिएट द किचन एंड द प्रोसेस ऑफ कुकिंग. फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाइए बच्चे के साथ, घर में ब्रेड बनाइए, दे विल बी ऑल एंथुसियास्टिक टू लर्न द रेसिपी, टू लर्न हाउ टू मेक इट, एंड दे विल अप्रिशिएट कि घर की बनी हुई चीज की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाइंग फ्रॉम आउटसाइड. एंड फॉर दोस पेरेंट्स जो कि वर्किंग है, जो 5 डेज या 6 डेज अ वीक काम करते हैं, वो अपने लिए एक दिन रख सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आजकल शहरों में पता है किस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है. एक दिन या दो दिन बच्चों के साथ मिलकर इन्वॉल्व होकर पूरा दिन उनको दीजिए और जो जैसा करना है उनके साथ कुकिंग कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता. बट इरा, एक कंसर्न आपने जो रेज किया था कि बच्चे बाहर खेलने अगर जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? मतलब घर में ही रहकर क्या ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जो बच्चे करें सो दैट ये प्रॉब्लम हो ही ना? देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि बाहर थोड़ा सा वातावरण ख़राब हो चुका है, बट पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एफर्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, हर रोज़ नहीं पर हफ्ते में एक या दो बार संडे को, सैटरडे को बच्चों को पार्क में ले जाएं. शहर जो है, शहरों में पार्क होते हैं, शायद आपके घर के पास नहीं हैं, पर थोड़ा सा उनको बाहर ले जाइए. जो आजकल के पेरेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी लेज़ी हो चुके हैं, बोलते हैं कि चले अरे संडे है सैटरडे, चलो हम लोग टीवी देखते हैं. पर बच्चों जैसे हम उनको बड़ा करते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट बनाना पड़ता है. हम एक घंटे दूर चले जाएंगे शहर से तो बहुत हमको सुंदर सुंदर जगह मिलेंगी. तो बच्चों को भी एक्सपोज करना है नेचर के, नेचर को, लाइक यू टू एक्सपोज द किड्स टू नेचर इन अ सूटेबल फैशन, इन एन इंटरेस्टिंग फैशन. जैसे अभी बात हुई थी उनको खाना हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे एक अच्छी तरीके से, जैसे उनके साथ ब्रेड बनाएंगे तो उनको पसंद भी आएगी ब्रेड, जैसे होममेड ब्रेड. तो वैसे ही हम उनको एक बहुत सुंदर एक पार्क में ले जाएंगे या एक सफारी पे ले जाएंगे या एक अच्छे कोई कोई बहुत जो पास में हमारे एक घंटे दूर या 1.5 hours दूर कोई ऐसी जगह है जो बच्चों के लिए, लेक लेक पे ले जाएँ, उनको बोटिंग ले जाएँ, तो उनको नेचर से भी जुड़ाव उनका बनेगा.
तो ये भी बहुत ज़रूरी हो चुका है आजकल के ज़माने में कि पेरेंट्स थोड़ा सा ये एफर्ट बनाएं. अगर वो लोग बाहर नहीं जा पाएँ तो ऑन अ डेली बेसिस घर पे भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो बच्चे, फॉर एग्जांपल योगा. योगा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं योगाचार्य हूँ, पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है योगा. उनके इतनी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके हॉर्मोनल डेवलपमेंट के लिए योग एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है. तो बच्चों को योग करना चाहिए और पेरेंट्स के साथ ही वो लोग योग कर सकते हैं. तो एक एक मदर और चाइल्ड का साथ साथ योगा हो सकता है. बहुत ही अच्छा है ये योगा क्योंकि इजी भी है और बच्चे फॉलो करते हैं. जब वो बड़ों को देखते हैं योगा करते हुए तो वही स्टेप्स वो लोग फॉलो करेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है. राइट. तो साथ साथ योगा करना, साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करना, इवन विद सम म्यूजिक, मेकिंग इट मोर फन. जो प्राणायाम मेडिटेशन उसी चीज को हम, जो बच्चों को लगेगा कि थोड़ा सा ड्राई है, अगर हम थोड़ा सा म्यूजिक ऐड कर दें इसमें तो उनको बहुत पसंद आएगा. डांसिंग भी हो जाएगा, भी हम कर सकते हैं. रीडिंग ऑफ बुक्स, रीडिंग ऑफ, बिल्कुल हाँ, वही एंड रीडिंग ऑफ बुक्स. आजकल इतना कम हो चुका है इंडिया का रीडिंग कल्चर, और इतनी इजी चीज है ये कि अगर हम लोग बुक्स खरीद लें और साथ साथ बच्चों को बुक्स पढ़ाएं, टीवी के अलावा वो बुक्स देखें, तो ये इतनी छोटी सी चीज है कि लगता है कि अरे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करो, आईपैड शुरू करो, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करो. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे सिंपल चीजें होती हैं वो सबसे मुश्किल लगने लगती हैं. और आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर दिया, थैंक यू सो मच, कि हाँ हम लिमिटेड मीन्स के तहत किस तरीकों से बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ इंकरेज कर सकते हैं. बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक ने बोला डिसिप्लिन की जरूरत है, जैसा डॉक्टर मंजरी चंद्रा ने बोला कि इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, बच्चों के साथ मिलकर एक्टिविटी करें, और जैसा ईरा ने बोला कि हाँ उनके साथ मिलकर योग करें, एक्सरसाइज कीजिए और रीडिंग हैबिट्स बढ़ाएं. तो बच्चों को बचाने के लिए, उनका लाइफस्टाइल हेल्दी करने के लिए ये एक बहुत सिंपल टिप्स है जो आप अपने डेली लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं. तो हमारी इस खास पेशकश में सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया.